जैसा आपने शुरू में ही कहा कि कोरोना की महामारी के बाद जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी लोग खुला आने जाने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं, आवागमन बढ़ा है, तो बहुत दिन से जो तमाम मनोभावनाएं दबी हुई थीं, कुछ कुंठित मनोविचार वाले लोगों की, कुछ आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की, अब उनको स्वाभाविक है मौका मिल रहा है। तो जो उन्होंने सोचा हुआ था इतने दिन में, फला ने मुझे बहुत परेशान किया है, फला ने मेरी जमीन कब्जा कर रखी है, फला ने मेरे मकान कोई किराएदारी का विवाद हो गया है, फला ने मेरी बहन से छेड़खानी की है, यानी कि किससे किससे किसको बदला लेना है, कौन किससे नाराज है, अनलॉक हुआ है तो वो सोच रहा है निकल करके अब अपना, जैसे और गतिविधियां बढ़ रही हैं उसी तरह क्राइम की तरफ भी जो उसके करने वाले हैं, जो कारण हैं वो मौजूद हैं। तो बहुत जरूरी है कि अनलॉकिंग के बाद मुझे भी, जैसे आपने कहा, यह अंदेशा था कि जैसे लोगों का तमाम व्यवसाय चौपट हो गया है, तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं, गरीबी के कारण भी स्तर उसका और बढ़ा है, तो ऐसे में चोरी और पुरानी दुश्मनियों के कारण जो बदला लेने की प्रवृत्ति वो एकदम से उभरेगी और पुलिस को बहुत जोर लगाना होगा, सतर्क रहना होगा कि इसको कंट्रोल कैसे कैसे करना है, न्यायालय को इनको रोकथाम के लिए टाइम से बाउंड डाउन करना पड़ेगा कि उनको बुला के बांड भरावें, उनको वार्न करें कि नहीं तुम कोई क्राइम नहीं करोगे, मोहल्ले के लोगों को बुला के जिम्मेदारी दें कि इसको देख के रखना, ये लड़का अभी इसकी मनोभावना ठीक नहीं है। अब क्या करिएगा, आपने देखा भी एक सिपाही ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक आदमी को गोली मार दिया। अब अगर यही काम कोई पब्लिक का आदमी करता तो आप कहते हैं कि देखिए कैसे गुंडागर्दी हो रही है, अब सिपाही ने गोली मार दिया। अब इसका बाद में पता क्या चला कि वो मानसिक रूप से परेशानी में है, मानसिक केस, मेंटल केस है। तो ऐसे ही तमाम समझ में नहीं आते, बहुत से लड़के, बहुत से आदमी मेंटल टाइप के हो गए हैं और हमारे समाज में अभी मानसिक रोगों का इलाज बहुत कमजोर स्थिति में है। बहुत पहले तो वो समझते ही नहीं कि मानसिक बीमार है, सोचिए कोई पहले कह सकता था कि ये सिपाही मानसिक बीमार है, नहीं है। तो चिन्हांकन और चिन्हांकन के बाद उनको इकट्ठा करना, उनको एक निश्चित जगह ला के उनका मानसिक इलाज करना, ये भी बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य कुमार जी, जरूरी हो गया है। हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े अपराध अगर हम ना उस पर नजर डालें तो छोटे मोटे अपराधों की जो गिनती है उसमें इजाफा बहुत तेजी से हुआ है। देखिए, योगी गवर्नमेंट जब से आई थी तब से उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि जितने भी बड़े अपराधी हैं वो या तो प्रदेश छोड़ दें या उनको उनके ठिकाने पहुंचा दिया जाएगा। योगी सरकार ने उस मुद्दे पर काम भी किया और बड़े बड़े आप खुद देखें कि बाहुबली जो थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो और चाहे खान मुबारक हो, इन सब बड़े बड़े अपराधियों के जो अवैध किले थे सबको ढेर कर दिया गया, सब जेल में बंद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने काम तो किया लेकिन पुलिस की जो नज़र थी वो उस अपराध पे नहीं गई, जो छोटे अपराधी जो युवा हैं वो जो अपराध करते हैं उस पर पुलिस की निगाह नहीं गई। आप खुद सोचिए कि एक सिपाही अवैध असलाह छीन के एक युवक के सर में गोली मार देता है और असलाह उसी युवक से छीनता है, कैसे कैंपस में अवैध असलाह लेके वो प्रवीण नाम का युवक घूम रहा था, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी, बालागंज में एक युवक के सर में गोली मार दी जाती है और कारण यह था कि एक बर्थडे पार्टी में कहां सुनी हो गई थी, उसके बाद इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात थी कि इतने बड़े स्तर पर बर्थडे पार्टी हो रही जहां युवाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, वहां पुलिस कैसे, पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसको खबर नहीं थी कि ये लड़के हथियार लेके साथ में चल रहे हैं। आप अजीत सिंह हत्याकांड उठा के देख लीजिए कि पिछले साल गोमती नगर कटौता झील पे अजीत सिंह हत्याकांड हुआ था, तब किस तरह से अजीत सिंह जिस स्कॉर्पियो में था उस स्कॉर्पियो में दो दो लोडेड 9mm की पिस्टल थी और किस तरह से जो है जो अपराधी आए थे तीन तीन की संख्या में दो बाइकों से आए थे, उनके पास भी हथियारों का जखीरा तैनात था जिसके चलते उन्होंने प्रवीण सिंह उसकी अजीत सिंह की हत्या की थी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब चेकिंग के नाम पर पुलिस सड़कों पर खड़ी रहती है तो सिर्फ मास्क, हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग की जाती है, क्या पुलिस इस चीज से बेखबर रहती है कि हथियार लेके बाइक और कार से घूम रहे हैं?
सबसे बड़ा देखिए अपराध लखनऊ, जिस तरह से लखनऊ जो है हाईटेक होता जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाता जा रहा है, दिल्ली की तर्ज पर चल रहा है, मेट्रो सिटी बनने वाला, सबसे बड़ी बात यह कि उस तरह से युवाओं की जो युवाओं का घूमना है, युवाओं का रात में निकलना है, वो भी लगातार बढ़ा है। आप देखिए कि कार और बाइक से किस तरह रात के 2-2 बजे युवा घूमते रहते हैं, और लॉकडाउन में भी इस तरह की खबरें आई कि युवाओं ने 1090 चौराहे पे या अन्य चौराहों पर जो है शरारत की या किसी तरह का हुड़दंग किया। तो पुलिस इस तरह के जो अवैध जो है हथियार लेके घूमना या युवाओं का हुड़दंग करना, उस पर नजर नहीं रखती। दूसरी चीज कि सबसे बड़ा सवाल ये कि जब से सीसीटीवी आया है, तब से जो है सीसीटीवी आने के बाद से कहीं ना कहीं पुलिस जो है ढीली पड़ी है। कहते हैं जब सीसीटीवी इसलिए लाया गया था, सीसीटीवी और भी जो आधुनिक उपकरण है उनको इसलिए लाया गया था कि पुलिस और ज्यादा स्मार्टली काम कर सके, लेकिन जब से सीसीटीवी लगाए गए तब से पुलिस कहीं ना कहीं सीसीटीवी पर निर्भर हो गई है। देखिए 3 दिन पहले के अपराध है, 3 दिन पहले एक 40 साल के युवक की जो है बाके से काट कर हत्या कर दी गई। लोहिया कैंपस में जो है एक युवक को सर में गोली मार दी, पुलिस वाले ने मार दी, पता नहीं उसकी क्या मानसिकता थी। दूसरा बालागंज में युवक के सर में गोली मारी गई, अपहरण हो जाता है एक अधिवक्ता की वाइफ का। तो क्या किस तरह से काम कर रहा है, क्या पुलिस की निगाह जो है, क्या छोटे जो अपराधी हैं, जो युवा है, कहीं ना कहीं अजय जी ये जरूरी हो गया है समझना, क्योंकि पुलिस पर लगातार जिस तरह से कार्रवाई, हालांकि बात ये कही जाती है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती है। या तो ढीलापन है या फिर काम प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे। जिस तरह से सूर्य कुमार जी ने भी कहा, सूर्य कुमार जी आपने जो बात कही कि वो मानसिक रूप से बीमार था ये तक नहीं पता चला, तो ये गलती जो है वो कहीं ना कहीं किसकी है, पुलिसिया ही गलती है। बिल्कुल, जो कि अब वो सोचिए कि जब पुलिस के अंदर रहने वाला, काम करने वाला जब मानसिक रूप से बीमार है, तो पब्लिक में कितने युवा इस प्रकार के मानसिक बीमार होंगे। तो हम लोग इसीलिए सूर्य कुमार जी हमेशा बात उठाते रहे कि जो पुलिस वालों पर जो ज्यादा दबाव, या तो आप वर्क प्रेशर का कह लीजिए कि ज्यादा पड़ जाता है, इसके चलते भी वो कहीं ना कहीं बौखला जाते हैं, या उनका टेम्परामेंट इतना हाई हो जाता है कि वो इस तरह से कृत्य कर जाते हैं। देखिए सारी इच्छाएं सबकी पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे उस सिपाही के बारे में पता लगा कि उसको छुट्टी, अभी नई नई शादी हुई थी और उसको वापस आना पड़ा, और ये आदमी मजाक कर रहा था उससे इस बात को लेकर कि तुमको बीवी छोड़ के चली गई, और इसको कहीं ना कहीं तनाव ही समझे। अब वो सोचिए कि जब इतनी बात पर, तो जीवन में न जाने कितनी तरह की चीजें हैं जो लोगों को नहीं मिल पाती, जितनी कमाई चाहते हैं, जितनी तरक्की चाहते हैं, जितनी नौकरी चाहते हैं, कोई कोई जितनी अच्छी शादी चाहते हैं, चीजें सबको नहीं मिल पाती, तो टेंशन होता है, और इसका समय से रोकथाम जरूरी है। अब एक और बात, सोशल मीडिया खासतौर से मोबाइल फोन का जितना इस्तेमाल अब बढ़ गया है, और उस पर अभी उतना प्रभावी ढंग से कोई रोकथाम, ऐसी नेकेड वेबसाइट चल रही है, लड़के देर रात तक बैठ करके मोबाइल पर रेप की और सेक्स की खबरें पढ़ रहे हैं और चित्र देख रहे हैं, और अगले दिन वो उसका प्रयोग करने लगते हैं। इस अपराधिक मानसिकता को बढ़ाने पर सोशल मीडिया कहां, आप किस तरह से उसको ब्लेम कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर तो आप बहुत सी अच्छी चीजें सीख भी तो सकते हैं। नहीं, वो अब वो बात वही है कि अच्छी चीज सीखने वाले भी बहुत हैं और बड़ी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ परवर्टेड मानसिकता के लड़के वो उस समय पर ये इस प्रकार की प्रोस्टिट्यूशन की खबरें पढ़ रहे हैं, वो सेक्स से संबंधित मामले रात रात तक पढ़ रहे हैं। अब इस पर गवर्नमेंट को, जब जैसे कानून लाया गया है भारत सरकार द्वारा, प्रभावी रोकथाम लगानी पड़ेगी। एक तरह ये उसी तरह की बात, एक तरफ से आप मिट्टी का तेल डालो और दूसरी तरफ देखो कितना जल रहा है। लेकिन अरे भाई, सूर्य कुमार जी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी तो सवाल उठते हैं ना। अगर आप सोशल मीडिया को पूरा ब्लेम नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पर सोच के जिनके पास मोबाइल तक नहीं है, कारक नहीं समाप्त होंगे, कारण नहीं समाप्त होंगे, तब तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं लग पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस ने पूरा काम अपना कर लिया, अभी बहुत काम की जरूरत है। जैसे अच्छी बात यह हुई कि अब उस तरह के अपहरण जो फिरौती के लिए होते थे, रोड होल्डअप, बसों के लूटने की घटनाएं होती थी, उनमें बड़ी कमी आई है। लेकिन अभी क्या हो गया, तमाम जो घटनाएं हो रही, तमाम क्रिमिनल जो है
वो पैसा दे करके छूट जा रहा है, ठीक है, नहीं घूस दे के छूट जा रहा है, तो ऐसे इन पर रोकथाम और करने की नागरिक समितियों की, लेकिन नहीं सूर्य कुमार जी मैं फिर कहूंगी इस पे सोशल मीडिया को ब्लेम करना ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं जिनके पास मल्टीमीडिया फोन भी नहीं है उनके अंदर भी इस तरह की मानसिकता है, और हमने ये ज्यादातर लोगों को जो देखा है जिनके अंदर आपराधिक मानसिकता है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों से भी आते हैं। तो आप मैंने ये नहीं कहा, सोशल मीडिया के अलावा बहुत से पोर्नोग्राफी लिटरेचर है, बहुत सी बातें, और सामाजिक को प्रबंधन भी अभी पूरा प्रबंध भी अच्छा नहीं हो पाया, बहुत से लड़कियों की लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही और वो एक निश्चित उम्र के आने के बाद कुंठित हो रहे हैं, तो ये भी कारण है। सब पूरा एक जब निल करना है क्राइम को तो इन सारे कारकों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि पुलिस में रिश्वतखोरी के कारण कोई क्रिमिनल ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट भी जान लेते हैं। शराब पीकर ड्रग्स खा करके क्राइम न करें, आप खुद कह रहे हैं ना 10-90 पर शराब पी के लड़के इकट्ठा हो जाते हैं, हंगामा करने लगते, तो अब क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह इस पर नियंत्रण करना। आप तो कह रहे हैं कि शराबबंदी भी हो जानी चाहिए, होना चाहिए, मैं तो उस विचार का। राजस्व की तो बिल्कुल ही, राजस्व के दसियों और स्रोत निकलेंगे, आप देखिए बिहार में कहां राजस्व मर गया, जी अजय जी, गुजरात में राजस्व मर गया, गुजरात कितना विकसित राज्य है वहां शराबबंदी है, तो जरूरत आप या तो फिर रोना धोना बंद करिए कि हाँ हो रहा है शराब पी के लोग, तो करेंगे 60% अपराध शराब के नशे में होते हैं, ये इसलिए अगर आपको ये चिंता है कि और बेहतर ठीक समाज, ठीक है, देखिए सूर्य कुमार शुक्ला जी ने जो बात कही सोशल मीडिया को लेके, तो उसमें सूर्य कुमार शुक्ला जी की कुछ बातें सही है, क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आप देख लीजिए कि किस तरह से जो युवा हैं वो किस तरह से असलहों का प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से शराब पीते हुए, किस तरह से जो है हुक्का पार्टी करते हुए अपने वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन अजय जी, कहीं ना कहीं जो हथियार मुहैया करवा रहे हैं ये उनकी कमी दर्शाती है। देखिए इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है वो कानून व्यवस्था का, और सबसे बड़ा फेलियर पुलिस का है, लेकिन जिस तरह से आजकल युवाओं की जो मानसिक प्रवृत्ति है उसमें भी बदलाव देखा गया जब से सोशल मीडिया आया। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो चला था जिसमें लड़का कार में हुक्का पी रहा है और बाहर 9mm की पिस्टल लिए घूम रहा है, और वो उसने कोतवाली के बाहर ही वो वीडियो शूट किया और इंस्टाग्राम पे डाला, बाद में पुलिस हरकत में आई, उसको गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा असर है, लेकिन सोशल मीडिया को सिर्फ नकारात्मक रूप से देखना ये सही नहीं, क्योंकि उसके सकारात्मक पहले भी बहुत से हैं। लेकिन वही है ना अजय जी, बात तो वहीं पर घूम फिर कर आ जाती है कि सरकार की और पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठने चाहिए कि क्यों इतने ज्यादा तादाद में जो असलहे हैं वो बरामद हो जाते हैं और कहां से मुहैया हो जाते हैं लोगों को, युवाओं को। ठीक है, हमारे साथ शिवा भी जुड़ चुके हैं संवाददाता। तो शिवा, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस समय ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप हमें दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ता जा रहा है वो किस तरह से, ग्राफ जो है अपराध का वो किस ओर बढ़ता जा रहा है। शिवा, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें कहीं ना कहीं तेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संगठित अपराधों में तो बहुत ज्यादा कमी आई है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है जो सड़कों और गली नुक्कड़ों पे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसीलिए शायद जो हाईटेक पुलिसिंग है, जो मॉडर्न पुलिसिंग है, वो उसके सामने थोड़ी झुकी नजर आई है। हाल ही की कई घटनाएं लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की अगर देखी जाए तो हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई है, न सिर्फ हत्याएं लूट और बड़ी डकैती की हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्नशील पुलिस के ऊपर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि पुलिस की जीरो ग्राउंड जीरो की जिम्मेदारी होती है उन लोगों को रोकने की, उन लोगों को पकड़ने की। एक बात सूर्य जी कह रहे थे कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इफेक्ट है और शायद इसीलिए अपराधी जो है वो बढ़ रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है या मानसिक प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा हो रही है। लेकिन इसी सोशल मीडिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले पायदान पे ला करके रखा है और उत्तर प्रदेश पुलिस शायद इसी बलबूते ये कहती है और ये करती भी है कि बड़े से बड़े अपराधी को ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर से बल्कि हम भारत के किसी कोने से भी ले आएंगे। तो ये बयान, मैं इस बयान से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसलिए उठाया है कि किसी के अपराधी के सर्वलेंस से लोकेशन से लेकर के उसकी प्रोफाइल आईडी से लेकर उसको ढूंढने तक का पूरा जो खाका है वो सोशल मीडिया सेल और सर्वलेंस सेल का होता है। ऐसे में अगर हम ट्रेडिशनल पुलिसिंग से मॉडर्न पुलिसिंग की ओर आने का अगर एक टाइम टेन्योर देखेंगे, एक सफर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसने उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल थोड़ा डाउन किया है। हालांकि ये कभी अफसर अपने मुंह से कैमरे के सामने कभी नहीं कह सकते, लेकिन दबी आवाज में जरूर कहते हैं कि मॉडर्न पुलिसिंग से हमको बहुत कुछ मिला है लेकिन हमने ट्रेडिशनल पुलिसिंग का हाथ छोड़कर के बहुत कुछ खोया भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे में स्ट्रीट क्राइम को लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और लोकल पुलिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारन लापरवाही उन्हीं की होती है कि उनका मनोबल इतना बड़ा होता है अपराधियों का कि वो साठगांठ से हो सकते हैं।
उदाहरण यहाँ चल रहा था कि राजधानी लखनऊ के अंदर अजीत सिंह हत्याकांड हुआ, एक गैंगवार हुई और उसी गैंगवार के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में पुलिस अफसरों की बड़ी बैठक बुलाई और कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर राजधानी में इस तरीके की घटनाएं होंगी तो उसका कहीं ना कहीं संदेश उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में जाता है। तो इस लूप होल को कम करने के लिए 41 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए थे और स्थिति ये ध्यान में रखते हुए कि उन लोगों को किसी भी जिले में अगर वो जाते हैं तो उन लोगों को थाने का चार्ज ना दिया जाए, यानी कि उनके करियर के जो 20 साल गुजरे थे उनके करियर पर सवाल निशान खड़े करते हुए उनके कैरेक्टर रोल पे ये लिख दिया गया कि उनको कहीं थानेदारी ना दी जाए। तो मठाधीशी बहुत ज्यादा हावी थी या पुलिस कर्मियों के पुलिस अफसरों की जो मॉनिटरिंग लेवल था उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, ये एक सोचने वाली बात है। छोटे पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो बड़े अफसर हैं कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदेही तय होती है, लेकिन जब कहीं घटना होती है, जब कोई एक बड़ा हादसा होता है या एक बड़ी गैंगवार होती है उसमें छोटे पुलिस कर्मियों पर ऊपर कार्रवाई करके बड़े पुलिस कर्मियों को छोड़ दिया जाता है, जवाबदेही उनकी भी होनी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो ग्राउंड पर जो लोग हैं, जो कॉन्स्टेबल्स हैं या जो निचले पायदान की जो पुलिसिंग आप कह ले जो जिला स्तर की होती है उनका मनोबल इसीलिए घटा है क्योंकि उनके अफसरों की जवाबदेही कभी नहीं होती है। ऐसे में अगर क्राइम अगर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए जो हालांकि लॉकडाउन के दरमियान देखना होगा कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जो घटनाएं हुई उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को तय कर दिया कि पलायन का एक दौर था, लोगों के पास पैसा नहीं था, कमाने का जरिया नहीं था, इसलिए लूट चोरी डकैती हत्या इस तरीके की घटनाएं होती रही। पारिवारिक विवाद भी बहुत ज्यादा देखने को आया कि पारिवारिक कलह के चलते लोगों ने एक दूसरे को मार दिया, प्रॉपर्टी विवाद के जरिए दूसरे को मार दिया, तमाम बड़ी से लेकर के छोटी घटनाएं हैं, लेकिन पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली सही करने के लिए एक बहुत अच्छा एक गुरु होना चाहिए और शायद उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर बहुत ऐसे अफसर हैं जिनको सही बात कही है। और इसी का जवाब मैं सूर्य कुमार जी से लेना भी चाहूंगी कि सूर्य कुमार जी क्या लगता है, तो पहले तो मॉडर्न पुलिसिंग को लेकर आपको लगता है कि क्या वो सही है, क्योंकि दिक्कतों का सामना ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है और शिवा जिस तरह से बता रहे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं पुलिस तमाम अधिकारियों को। और दूसरी ये है कि जब बड़ा कोई गलती होती है, बड़ा कोई एक्शन होता है जिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो अक्सर क्यों छोटे पुलिस कर्मियों को ही निशाना बनाया जाता है, जो अधिकारी होते हैं जो टॉप लेवल के वो निकल जाते हैं और ये आ जाती है कि गलती का सारा दारोमदार छोटे लेवल के जो पुलिस होते हैं या कांस्टेबल होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, इस तरह से क्यों किया जाता है? दोनों बात है, शिवाजी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया का भी, मोबाइल का, सर्विलांस का, इसका सबका बहुत फायदा पुलिस व्यवस्था को मिला है, लेकिन मैं सिर्फ उतना कह रहा था कि जो खराब बातें जो जिनकी वजह से लोग क्राइम की तरफ प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, उनको उसी तरह रोकने की जरूरत है। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि एक कानून बना राजस्थान में, प्रिवेंशन ऑफ ग्लोरीफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स सती एक्ट, सती को कोई ग्लोरीफाई ना करे, तो उसी तरह हमारे सोशल मीडिया में अभी बहुत सी खबरें बातें ऐसी आ जा रही हैं जिनमें सोशल मीडिया में क्राइम क्रिमिनल को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है और उससे नए लड़के प्रेरित होते हैं देख करके, ये हथियार और वो औजार और वो दारू और वो डांस और वो, तो इन बातों से इसको रोकने के लिए। जो बदमाश पुलिस के संरक्षण में ये कार्य करते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण तो मिला। दूसरा प्रश्न है आपका, बिल्कुल सही है कि ये सवाल अभी तक क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा, इसमें हमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि LIU क्यों नहीं पता लगा पाती, तो मैं अपने सारे साथियों की जानकारी के लिए बताऊं कि LIU का क्राइम वाइम से कोई मतलब नहीं रहता। LIU माने होता है, क्यों आपने सुना होगा, पासपोर्ट सत्यापन और चरित्र सत्यापन और वो विदेशियों के ऊपर नजर रखना। क्राइम की अभी तक कोई क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट बनी ही नहीं। मेरा ये दृढ़ विचार और विश्वास है कि जब हम मोहल्ले मोहल्ले में थानों के साथ क्रिमिनल इंटेलिजेंस यानी कहाँ कौन क्राइम करने वाला है उसका पहले से पता लगाने की इकाई गठित कर लें, अभी तक ये नहीं हो पाई क्योंकि ब्रिटिशर्स को इसकी चिंता थी नहीं और हमारे कानून में पे जाना, लेकिन NIU कहीं ना कहीं जांच करने तो LIU कहीं ना कहीं जांच करने तो जाता ही है। संख्या होती है उन कर्मचारियों की, उतना ही नहीं कर पाते हैं, वर्कलोड बहुत रहता है मैंने देखा। लेकिन ये तो हम लगातार देख रहे हैं ना कि पुलिस पर तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है ही ऑलरेडी है। ये तो दूसरा एक तो क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में कुछ आदमी और बढ़ाए जाने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। दूसरा मैन पावर बढ़ाने की तो जरूरत हमेशा से बनी है। नहीं, दिक्कत यही है कि वो अभी ब्रांच ही नहीं गठित हुई पुलिस में,
मैं कई बार ये सजेस्ट कर चुका हूं विभिन्न माध्यमों से। और दूसरा एक क्रिमिनल रिफॉर्मेशन का काम, जैसे अभी सिपाही, जैसे आपने कहा मानसिकता उसकी मेंटल क्रिमिनल है, पता नहीं है, मेंटली क्राइम उसके दिमाग में चल रहा है, तो मेंटलिटी का इलाज यानी क्रिमिनल रिफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अभी अपने यहाँ नहीं है। इसको कई दुनिया के देशों ने जेलों में खोला है, अस्पताल खोले हैं, बुला के इलाज करते जिस हैं। जिस कदर तबादले किए जा रहे हैं सूर्य कुमार जी, वो तो साफ तौर पर दिखते हैं कि अधिकारी किस तरह से अपने मन के हो गए उत्तर प्रदेश में, पूर्ण तरीके से। उसका एक कारण बड़ा और समझ में आया है कि इधर क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी पर सरकार की निर्भरता काफी बढ़ गई है जी। और उन पर जो रोकथाम का काम जनप्रतिनिधि किया करते थे वो थोड़ा कमजोर पड़े हैं। सरकार ने जिम्मेदारी दी कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा अच्छा काम करेगी, ज्यादा निष्पक्ष होगी, बाहर की होगी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ दुरुपयोग नीचे के लेवल पर हुआ है। और उसके कारण जो जनप्रतिनिधि जो शिकायत करने का काम करते थे, रोक टोक का काम करते थे, वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है उसमें थोड़ा। सूर्य कुमार जी, आप ब्यूरोक्रेसी को बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ा है और नीचे स्तर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो किस तरह की गड़बड़ियों की बात आप कर रहे हैं? गड़बड़ियों की बात मैं ये कह रहा हूं कि पहले अगर कुछ दिनों का पहले का याद हो कि कोई विधायक जी या कोई जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जाते थे लोग, ये छोड़ो ये हमारा आदमी है, अब वो स्थिति नहीं है, काफी बदल गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ कि चुपके से जिसने घूस दे दिया उसका काम हो गया, तो ये इस तरह की प्रवृत्तियों पर यानी नीचे के लेवल पर जो पैसे लेकर के क्रिमिनल्स को मदद कर देने का काम, संरक्षण दे देने का, जमानत कर देने का काम, वो थोड़ा ढीला पड़ा, उसको और अच्छा टाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल, उसकी अभी हमारी इंटरनल, जैसे मैंने कई बार कहा कि जैसे मिलिट्री में एक ब्रांच होती है जो मिलिट्री पुलिस कहलाती है, नजर रखने का काम, अभी हमारे पास पुलिसिंग द पुलिस वो उतनी ब्रांच मौजूद नहीं है, ब्रांच ही नहीं है, पुलिसिंग द पुलिस एक ब्रांच ऐसी अगर जिले में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की बात, सुधार जो पुलिस सुधार आयोग था उसने कहा था कि हर जिले में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई। बिल्कुल सूर्य कुमार जी, और आपने बहुत बड़ी बात भी कही अजय जी, जैसे आपने सुना होगा कि ब्यूरोक्रेसी की निर्भरता की जो बात आई है ये तो हमेशा से उठा है कि पुलिस वालों पर ऑलरेडी वर्कलोड है और कोरोना काल में वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी किस हद तक निर्धारित है उत्तर प्रदेश में ये तो देखा ही जा रहा है। जिस तरह से तबादले हुए ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई आईपीएस और आईएएस अफसरों के, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के चलते कितने दिमाग खराब हो गए थे। वो हालत ये है कि ये सूर्य कुमार जी, मैं आप पर आऊंगी एक बार अजय जी से। मैं कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे उससे पहले की, ब्यूरोक्रेसी पे हमेशा से जो है निर्भरता सरकारों की रही है। लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जिस तरह से आईएएस और आईपीएस काम कर रहे हैं, वो बड़ा सवाल है। कि देखिए, अभी कुछ समय पहले बात सामने आई थी कि आईएएस और आईपीएस लॉबी में खटपट चल रही है, तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि किसी सरकार में आईएएस लॉबी मजबूत हो जाती, कभी किसी सरकार में आईएएस आईपीएस लॉबी मजबूत हो जाती है। लेकिन बात करें अगर अपराधों को रोकने की, बात करें कि किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर जो है अध्ययन करने की, तो ये सब जो आईपीएस लॉबी होती, जो भी पुलिस कर्मी है, ये उनका काम होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो ग्राउंड पे जितने भी चाहे छोटे अपराध हो रहे हो चाहे बड़े अपराध हो रहे हो, थाने और चौकी के स्तर पर कुछ पुलिसकर्मी इस तरह से तैनात किए जाते हैं, भले ही इंस्पेक्टर अपने से नीचे के सिपाहियों को इस तरह से तैनात करे, जो कि सादी वर्दी में ये पता लगाते हैं कि कहां कौन सा जो है किस तरह का क्राइम हो रहा है, चाहे वो जुआ खेला जा रहा हो, चाहे वो अवैध शराब की बात हो, चाहे वो अवैध असलहों की बात हो, तो सिपाही इस तरह का काम करते हैं जो सादी वर्दी में घूमते हैं। तो जब इस तरह का अपराध किसी भी एरिए में किसी भी इलाके में हो जाता है तो फेलियर कहीं ना कहीं थाने स्तर पर होता है, और थाने स्तर से ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो एसीपी हो चाहे वो डीसीपी हो, सबके ऊपर ये बात आती है, जवाबदेह वो भी होते हैं। लेकिन अभी शिवा ने जिस तरह से बताया था कि अगर कोई भी अपराध होता है तो सजा के तौर पर अगर तबादला किया जाता है, लाइन हाजिर किया जाता है, तो छोटे अधिकारियों का बहुत, अगर किया गया तो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। आप इस तरह से देख लें कि कई अपराध ऐसे हुए जो सड़कों पे तो हुए ही, साथ में जेलों में किस तरह से हत्याएं हुई, चाहे बांदा जेल में। सवाल यही है अजय जी कि वो क्यों बच जाते हैं, तो सबसे पहले लगाम कसनी है तो आपको टॉप लेवल के अधिकारियों से जवाब तलब करने की जरूरत होती है, मुझे तो यही लगता है जी। सूर्य कुमार जी, मैं उसको पूरा करता हूँ कि ज्यादातर आप देखेंगे कि जहां तक संख्या का बल है तो जो अधिकारियों की संख्या है वो मुश्किल से 400-500 पूरे प्रदेश में, 400-500 आईपीएस अफसर हैं और लगभग इसके दो गुने पीपीएस अफसर हैं।
अब बची बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों की संख्या लगभग 3 लाख है। तो होता क्या है कि ये बात नहीं हमारा सिद्धांत बनना चाहिए कि छोटे को दंडित किया या बड़े को, जिसकी गलती हो उसको दंड मिलना चाहिए। अगर आप संख्या में देखेंगे तो स्वाभाविक है कि चूंकि 3 लाख कर्मचारी हैं तो उनमें ज्यादा इनाम भी होगा, ज्यादा दंड भी होगा, ज्यादा ट्रांसफर भी होंगे। वो उस तुलना में जो बड़े अधिकारियों की संख्या चूंकि 0.1% है तो स्वाभाविक कम दिखती है। लेकिन होना चाहिए, सिद्धांत ये होना चाहिए कि बड़ा हो न छोटा इससे कोई मतलब नहीं, जिसने लापरवाही की, जिसने गलती की, उसको उसके लिए दंडित किया ही जाना चाहिए। एक और बात जो जड़ में जाए तो क्राइम जो बढ़ने की बात हो रही थी कि अभी तक एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाई थी जस्टिस एट डोर स्टेप, कि आपके यहां झगड़ा होने वाला है या हो सकता है, टेंशन है, तो दरवाजे पर कोई न्यायिक अधिकारी, कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस साथ में आवे और वहीं पे सुन के फैसला कर दें। तो अगर त्वरित न्याय और ऑन द स्पॉट न्याय होने लगे तो बहुत से क्राइम जो हो सकते हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन अभी ये तमाम चीजें लागू होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी यही दुर्भाग्य की बात आ जाती है कि ये तमाम चीजें लागू नहीं होती। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं हम ये भी देखते आ रहे हैं, अजय जी आपने भी ये गौर किया होगा कि जिस तरह से पुलिस का व्यवहार, अगर हम उसकी बात करें, हालांकि आपने ये टॉपिक उठाया कि युवाओं में अपराध बढ़ रहा है, लेकिन जो पुलिसिया व्यवहार है उसकी तरफ कोई क्यों नहीं नजर उठाता है कि जिस तरह से अगर पत्रकारों पर ही हमला हो जाता है, पत्रकारों पर ही कार्रवाई कर दी जाती है, अगर वो कुछ पूछने जाते हैं, सवाल करने जाते हैं, या फिर पीड़ित पक्ष पर ही इस तरह की हो जाती है, तो ये इस तरह का व्यवहार जो अमानवीय व्यवहार है उसको लेकर क्यों नहीं स्पष्टीकरण माना जाता है? देखिए, कुछ पुलिस कर्मियों का व्यवहार ऐसा होता है जिससे सवालिया निशान पूरे पुलिस विभाग में खड़ा हो जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले की घटना है कि एक ठेले वाले से उसका तराजू छीन के एक सिपाही और दरोगा चले गए। वो मिन्नतें करता रहा, कहता रहा कि तराजू वापस कर दो, जबकि वो मास्क भी लगाए था और उसके ठेले पे भीड़ भी नहीं थी, लेकिन दरोगा और सिपाही अपनी वर्दी के घमंड में इतना चूर थे कि वो चले गए उसका तराजू लेके। बाद में क्या हुआ, ये अधिकारियों तक बात पहुंची, अधिकारी शर्मिंदा हुए, मीडिया मामला उठा, सवाल पूछे गए, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक तराजू दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत से मामले आते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा करना। देखिए, अभी सूर्य कुमार जी ने भी ये बात कही थी कि जो आईपीएस हो, चाहे पीपीएस हो, चाहे मैं सब इंस्पेक्टर लेवल की बात कर रहा हूं, कि कोई भी अगर ट्रेनिंग पे जाते हैं तो बकायदा इनकी ट्रेनिंग के दौरान क्लासेस होती है, इनको मनोचिकित्सक होता है, इनको बताता है कि किस तरह से व्यवहार करना है, मीडिया में किस तरह से व्यवहार करना है, कैमरे के आगे किस तरह से व्यवहार करना है, लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है। और जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर लेवल के हों, चाहे उससे नीचे के अधिकारी हों, लगातार पुलिस कर्मियों के साथ, जो निचले स्तर के पुलिस कर्मी उनके साथ बैठ के इस तरह की बात करते हैं कि किस तरह की प्रगति काम में चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कुछ पुलिस कर्मियों की जो मानसिकता होती है, कुछ आम लोगों की भी मानसिकता होती है, लेकिन जो काउंसिल किया जाता है अजय जी, और उसके विपरीत जब कार्य शैली जब उनके ऊपर आती है, उतना कार्य भार कह लीजिए आप आता है, तो वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग धरी की धरी रह जाती है। सूर्य कुमार जी ने एक बात कही थी, बहुत सही बात है, कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उस हिसाब से पुलिस कर्मियों का अनुपात नहीं है। अनुपात के हिसाब से यहाँ पुलिसकर्मी बहुत कम है उत्तर प्रदेश में, और सरकारें इस पे काम भी कर रही, लगातार पुलिस की भर्तियां कर रही। वो अलग बात है कि उन भर्तियों को, खास तौर से पुलिस विभाग की भर्तियों को पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे पटरी पे आएंगी। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो वाकई इस तरह की हरकत कर जाते हैं जिससे पुलिस विभाग पूरा शर्मिंदा हो जाता है, और कई घटनाएं इस तरह की भी आई हैं, चाहे वो घूसखोरी की घटनाएं हो पुलिसकर्मियों द्वारा की गई, चाहे वो लोगों के साथ जो है गलत व्यवहार की घटनाएं हो। लेकिन यही कह सकते हैं हम कि हमारे पास, हमें पता है कि वर्कलोड ज्यादा है और हमारे पास लोगों की, मैन पावर की कमी है, चाहे वो हम डॉक्टरेट सेक्टर में देख ले या फिर हम पुलिसिया विभाग में देख ले, लेकिन इस तरह का व्यवहार अमानवीय होता है और वो बर्दाश्त के बाहर होता है। मैं शिवा से भी पूछना चाहूंगी, शिवा आपको भी इस तरह के कई मामले दिखते होंगे जहां पे पुलिस के व्यवहार से जो पीड़ित होते हैं वो भी कहीं ना कहीं डरते हैं, तो आज की स्थिति भी क्या इसी तरह की है कि पीड़ित अपनी शिकायत कराने से भी पुलिस के पास जाके डरते हैं, या उनके अंदर ये मानसिकता है कि वो शिकायत कराने नहीं जाते? ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल कीर्ति, ऐसा कई बार देखा गया है कि जो भी पीड़ित होता है वो थाने से जाने से पहले सबसे ज्यादा बेहतर समझता है एक आईपीएस ऑफिसर के पास जाने का, ताकि उसको जो थाने से निराशा हाथ लगनी वो ना लगे, सीधे सीधे आईपीएस ऑफिसर उस केस को लीड करे और अपने से जो भी सबऑर्डिनेट है उसको डायरेक्शन दे। और यही वजह है कि ग्राउंड जीरो की पुलिसिंग पर इसलिए सवाल निशान खड़ा होता है, क्योंकि पीड़ित जो है वो वहां से निराश लौटता है।
एक फॉर्मेशन की बात कहूंगा, जैसा सुर कुमार शुक्ला जी ने कहा है कि पुलिसिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। ऐसे में पुलिस की एक विंग है सिक्योरिटी लेवल की और ट्रेनिंग लेवल की कि उनको शारीरिक प्रशिक्षण तो दे दिया जाता है लेकिन मानसिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, इन्हीं के बयान में ये चीज सामने आ रही है। तो क्या पुलिसिंग का फॉर्मेशन सही नहीं हो पाया, क्या लोगों से संवाद बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि लंबे समय से भारतीय पुलिस सेवा का ये अंश भी रहे हैं सुर कुमार शुक्ला जी और 90 के दशक में लखनऊ के SSP भी रहे हैं। ऐसे में ये खुद लोगों से जाकर के ना सिर्फ संवाद करते थे बल्कि अपनी भी पुलिस फोर्स से संवाद करते थे चौकी लेवल पर बैठ करके, वो आज के अफसरों में देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? ये कीर्ति सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के संवाद के साथ साथ आपको अपने सबऑर्डिनेट से भी संवाद करना होगा ताकि उसकी अच्छाइयों के साथ साथ जो उसकी परेशानियां भी हैं उसको भी समझे, तभी उसके बाद ग्राउंड जीरो पर आपकी जो पुलिसिंग है वो निखर के आएगी, चाहे वो जनता से संवाद की बात हो चाहे उनके व्यवहार की बात हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और पुलिस के बड़े अफसरों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारा जो पुलिसिंग का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से बेहतर होगा, हमारी जो छवि है पार्टी की वो किस तरीके से जमीन पर वो अच्छा दिखने में आएगी, ताकि सोशल मीडिया पर जो वीडियोज वायरल होते हैं जो पुलिस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पहले तो वो राज्य स्तर पे होता है फिर पांच कालिदास के मार्ग पे जाकर के तमाम राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। तो ऐसे में खाकी वर्दी की जो संवेदनशीलता है उसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक आम बात, चूंकि लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट जब से चालू हुई है, एक मैंने दो साल में ये सारी चीजें देखी है कि जो IPS लेवल, जो मॉनिटरिंग लेवल के लिए यहाँ पर बैठाए गए हैं बड़े बड़े महानगरों के अंदर, उनका काम जो मॉनिटरिंग का था वो बहुत ज्यादा बाखूबी से नहीं इसलिए हो पा रहा है क्योंकि चीजें वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। पहले जैसे हमने बात करी थी कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग की तरफ से हम मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ आए, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती थी क्योंकि लोगों से संवाद होता था। आज के दौर में शायद वो संवाद इतना अच्छा नहीं है। कोरोना काल से पहले की अगर बात लेंगे तो लोगों से संवाद ना हो पाने के कारण लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं खाकी से थोड़ा बहुत उठ गया है। इसी फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए और बेहतर करने के लिए पुलिस के अफसरों को एक बार विचार जरूर करना होगा। के बाद शिवा, आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल पर, जी सूर्य कुमार जी आ रही हूं मैं आप पर, क्या लगता है आपको जिस तरह से कमिश्नरेट लागू हुई इसके बाद से क्या लगता है आपको, और चीजें सुधरी हैं या फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ गया है? शिवा, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। कमिश्नरेट लागू होने के बाद आपकी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो हालात हैं वो और सुधरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पुलिस फॉर्मेशन पे भी सवाल उठा रहे हैं और ट्रेडिशनल पुलिस पुलिसिया पर भी आप कह रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सुर कुमार शुक्ला जी ने भी एक चीज कही है कि बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ पुलिस कर्मियों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा। कमिश्नरेट बना देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चप्पे चप्पे के अंदर कमिश्नरेट पुलिसिंग नहीं दिखाएंगे तो अपराधियों के अंदर और वो जो अराजक तत्व है उनके अंदर मैसेज नहीं जाएगा तो क्राइम ग्राफ किसी भी तरीके से नहीं हटेगा। इसलिए कमिश्नरेट पुलिसिंग के साथ साथ जो उनके पैरामीटर्स हैं उनको भी लागू करने चाहिए। लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, कानपुर की बात करें, चाहे वो गौतम बुद्ध की बात करें, तमाम ऐसे बड़े महानगरों में कमिश्नरेट पुलिस के आधे से ज्यादा पैरामीटर्स भी लागू किए नहीं गए हैं और शायद इसीलिए कमिश्नरेट पुलिसिंग का सीधा सीधा फायदा जनता को अभी बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा बहुत कहा जाएगा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो है वो अपने कार्यालय पर टाइम से बैठ रहे हैं, इतनी ज्यादा तादाद होती है फरियादियों की कि वो सबको नहीं सुन सकते हैं। सबकी सीधी सीधी रिपोर्टिंग उनके थाने उनकी चौकी पर होती है, लेकिन कई बार मैंने भी ऐसी रिपोर्टिंग करते वक्त देखा है कीर्ति कि लोग कहते हैं कि हम थाने भी गए, हम चौकी भी गए, हम ACP के पास भी गए, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो ये इस पैरामीटर को सुधारने के लिए पुलिस अफसर ज्यादातर विचार क्यों नहीं करते हैं, क्यों ग्राउंड जीरो पर अपने पुलिस कर्मियों को क्या लगता है कि कमिश्नरेट लागू कर दी गई है लेकिन उसके बावजूद लोगों को दर दर भटकना पड़ता है अपनी दिक्कतों को ले जाने के लिए, और पैरामीटर सेट क्यों नहीं किए जाते हैं पुलिस द्वारा पुलिस के? देखिए, इसका मूल में कारण ये है कि आप सब लोग कह रहे हैं कि जनता के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस की आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जिसे कहें, वो किसके प्रति है? वो है पुलिस के अधिकारियों के प्रति और अंत में मुख्यमंत्री जी के प्रति, यानी कि सरकार और विभाग। जनता उसमें कहीं आई है क्या? तो मुझे अटपटा भी लगता है, आश्चर्यजनक भी लगता है कि उम्मीद है कि जनता से व्यवहार अच्छा करो, और जवाबदेही किसको है? पुलिस के अफसरों को और सरकार को। तो जिसके प्रति जवाबदेही है उससे अच्छा व्यवहार वो लोग करते रहते हैं, यानी कि अपने बड़े अफसरों को, सरकार को जय हिंद सलाम और खुशामद बरामद सब तरह से करते रहते हैं।
अगर सचमुच जनता से व्यवहार सुधारना है तो हर थाना लेवल पर, हर चौकी के लेवल पर प्रभावी नागरिक समितियां गठित करानी होंगी और उनको कुछ अधिकार देने होंगे कि अगर कोई बदतमीजी करे, घूसखोरी करे, तो उस पुलिस वाले को तुरंत सजा मिले। और वो अभी क्या है कि जवाबदेही तो है अफसरों के प्रति, अब व्यवहार की बात हो रही है जनता के प्रति। सूर्य कुमार जी, सुनिश्चित होनी चाहिए और बिल्कुल। लेकिन अजय जी, आप बताइए कि क्या लगता है, हम बात कर रहे थे अपराधी घटनाओं की और मानसिकता को, तो आपने एक सबसे बड़ा हमने जिक्र किया था युवाओं को लेकर जो मानसिकता बन रही है, तो क्या काउंसलिंग की जरूरत है, क्या उनके लिए एक अलग से काउंसलिंग अब ये करनी जरूरी बन गई है कहीं ना कहीं? देखिए, पहली चीज तो सख्ती की जरूरत है। सख्ती इस तरह से कि जो पुलिस है जो चौराहों चौराहों चेकिंग कर रही है, उनको ये देखना होगा कि किस तरह से कितने बजे लड़कों की जो युवाओं की हरकतें हैं वो क्या हैं। दूसरी चीज़, काउंसलिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। माँ बाप को ये देखना चाहिए कि हमारा बेटा या हमारी बेटी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और सोशल मीडिया की बात रही तो सोशल मीडिया पे भी माँ बाप को निगाह रखनी चाहिए कि किस तरह से बच्चा, उनका जो बच्चे का क्रियाकलाप है वो सोशल मीडिया पे क्या जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम अगर पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं या हम अपनी अपने आप को मॉडर्न करने की कोशिश करते हैं तो हमको अपनी सोच भी मॉडर्न करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि हम चीज़ें तो देख लेते हैं, जैसे अभी सूर्य कुमार जी ने कहा था कि बहुत सी चीज़ें अपराधियों की ग्लोरीफाई की जाती है सोशल मीडिया पे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी काला जठेरी का मामला हुआ था, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए किस किस तरह से गाने लगे हुए हैं उसके वीडियोस पर। आप बवाना, नीरज बवाना की बात कर लीजिए, आप सुनील राठी की बात कर लीजिए, आप किसी भी अपराधी की बात कर लीजिए, तो किस तरह से उनके करेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया है। और कहीं ना कहीं जो युवा है वो बहुत जल्दी बहकावे में, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और वो सोचता है कि इनकी लाइफ बहुत ग्लोरीफाई है। कि किस तरह से, आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कि जेल के अंदर से वीडियो सामने आ रहे हैं, कि जेल के अंदर किस तरह से जाम छलक रहे हैं, मोबाइल पर बातें हो रही है। तो युवाओं को ये लगता है कि ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन युवाओं को ये चीज समझनी होगी कि ये चीजें बिल्कुल ये चीजें बहुत, पुलिस के अधिकारों को बढ़ा देते हैं तो मुसीबतें वहां पर भी खड़ी हो जाती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो अगर हम उनसे कह देते हैं कि आप, जैसे आपने कोरोना काल में भी कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें पुलिस की किस तरह से बर्बरता सामने आई, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमें बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। अपराध को कम करना है तो बिल्कुल बैलेंस की जरूरत है, कि एक ओर जनता की, जनप्रतिनिधियों की भी कुछ शक्ति हो और दूसरी तरफ पुलिस की भी शक्ति हो कि वो अपराधियों को रोक सके, उनको पकड़ सके। लेकिन पुलिस अगर कोई गड़बड़ करे तो उसके लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी गठित की जाए हर जिले में कम से कम, ताकि पब्लिक का कोई आदमी वहां जाकर कह तो सके। अभी तो ये हाल है कि अगर थाना इंचार्ज ने अपने सीओ साहब, एसपी साहब को खुश कर रखा है किसी भी तरह से जी, तो वो पब्लिक चक्कर लगाती रहे, कोई सुनने वाला नहीं उसकी। अंत में कोई भी दरखास्त दी जाएगी तो जांच के लिए वही तो आएगी, तो वो उसको उन्होंने पकड़ रखा है। देखिए, आप लॉकडाउन की बात कर ले, पिछले लॉकडाउन की, और चाहे अभी जो हाल फिलहाल लॉकडाउन लगाया था उसकी, पुलिस की बर्बरता सामने आई है तो पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। अगर थाने स्तर की बात करें तो थाने स्तर पे देखिए आप, महिला हेल्प डेस्क, अभी कुछ समय पहले महिला हेल्प डेस्क थानों पे बनाई गई है कि महिलाओं को दिक्कत ना हो। लेकिन और बनाई तो महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क भी गई है, बनाई महिलाओं के लिए 10 डब्बे भी गया है, लेकिन उस पर कार्य कितना स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, ये भी एक देखिए। चूंकि एक इस पुट को भी देखना होगा कि देखिए, जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल चुटकी बजाते ही कोई चीज सही नहीं हो पाएगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन पुलिस में जो पुलिस विभाग है उसमें किस तरह के सुधार करने, इस पे एक समिति बनानी पड़ेगी, वो समिति में कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा। देखिए, अभी बात हुई थी कि जनता के लिए जवाबदेही किस तरह, क्योंकि देखिए जनता चुन के भेजती है, जो विधानसभा में अपने विधायकों को चुन के भेजती है, तो जनता ही चुन के प्रत्यक्ष रूप से भेजती है, तो कहीं ना कहीं जनता ये उम्मीद करती है कि जिनको चुन के पंचायत में भेज रहे हैं वो हमारी जो है आवाज को उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर अब ये भी चीज डिसाइड करना जरूरी है, लेकिन ये भी सुनिश्चित कराना जरूरी है कि कितना वक्त लगेगा इन चीजों को बैलेंस करने में, क्योंकि काफी समय बीतता जा रहा है और अब हम 21वीं सदी में है, और इस वक्त भी अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है क्योंकि हम उनके पास नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है मानसिकता की तो कमी है ही, साथ ही साथ उनके ऊपर एक कोई बड़ा ये नहीं है कि आपको आके पूछने वाला, जैसे कि कहा गया ना कि जवाबदेही जो है वो बनती है वो अधिकारियों के लिए बनती है, जनता से नहीं बनती, और जो जनता चुनती है सरकार को या तो फिर उससे बनती है, तो जवाब तो कोई भी नहीं दे रहा है।
सरकार कहती है अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी कहते हमारे पास इतना अधिकार नहीं है कि हम इस तरह के कार्य कर सके। बिल्कुल जी सर, अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से पुलिस का काम चल रहा है। तो आप बताइए कि 1861 यानी जब विद्रोह हुआ था देश में रियासतों का, 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो उस समय के बाद जो एक्ट बना था उससे देश की पुलिस व्यवस्था गवर्न हो रही। तो अगर हम अपना जन भावनाओं के अनुसार, लोकतंत्र की भावना के अनुसार अभी अपना नया पुलिस एक्ट ही नहीं लागू कर पाए, तो इसी से समझ लीजिए कि अभी काम कितना होना बाकी है। बिल्कुल यही समस्याएं हैं कि आज भी हम उसी टॉपिक को लेकर उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फिर ग्राफ अपराध का बढ़ रहा है और अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। और पुलिस अगर अंकुश लगाने की भी कोशिश करती है, ऐसा ही नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ मैं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रही हूँ, अगर पुलिस भी अंकुश लगाने जाती है तो अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन पर ही फायरिंग हो जाती है, उनको बैठा लिया जाता है या उनके साथ भी कई ऐसे कृत्य और झेलने पड़ जाते हैं, फिर वो किसके पास जाए? बिल्कुल क्यों अजय जी, ये भी तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना जरूरी है। पुलिस की जो कार्रवाई है, जो बर्बर कार्रवाई है जनता के खिलाफ या जवाबदेही की बात हो रही है, तो पुलिस विभाग में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने अधिकारियों से ही त्रस्त हैं। मेरठ का एक मामला है जहां पे एक युवा जो है वो पुलिस में भर्ती हुआ सब इंस्पेक्टर के पद पर, 6 महीने उसने नौकरी की और उसको इस तरह से ही पुलिस की एक हम चला भी चुके हैं जिसमें हमने पुलिस वालों का फोन भी लिया था और उसमें उन्होंने इस तरह के कई सवाल खड़े किए थे कि उन्हें किस तरह से अपने अधिकारियों से वो त्रस्त। बिल्कुल 6 महीने उसको ड्यूटी ज्वाइन किए हुए थे, उसको चौकी का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया और उसके ऊपर जो एसओ बैठा हुआ था वो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करता था, उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग करता था कि उस जो सब इंस्पेक्टर था युवा, उसने खुद फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, अपना ऑडियो भी वायरल कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस पुलिस विभाग में जो तैनात हैं या जनता, वो कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से जो है खुद परेशान होते हैं, वो अधिकारियों के पास जाते हैं, कई बार सुनवाई हो जाती है, कई बार सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जो सुधार की बात है, तो देखिए पहले तो पुलिस का जो संख्या बल है वो बढ़ाना पड़ेगा और लगातार इस स्तर पर जो है क्लासेज इनकी ली जाती हैं कि जो भी जिस भी मनोभावना से जूझ रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज, जो पुलिसकर्मी है वो काम के घंटों को लेकर, अनिश्चित काम के घंटे होते हैं, तो उसको लेकर भी मांग कर रहे हैं कि भाई 8 घंटे नहीं 12 घंटे की हमारी ड्यूटी कर लो, लेकिन निश्चित हो। और आपको बता दें कि चाहे सैलरी की बात हो, चाहे उनका, आप थाने के स्तर पे देख लीजिए, जो पुलिसकर्मियों के रहने की व्यवस्था होती है एकदम जर्जर भवनों में होती है, पानी बरसता है गांव, आप शहर में की बात कर रही, गांव में जाइए आप, चौकियों थानों को देखिए, पानी अगर बारिश हो जाती है तो घुटने तक पानी भर जाता है, सारे कागजात वहां भीग जाते हैं। तो किस किस मनोदशा से पुलिसकर्मियों को गुजरना पड़ रहा है, इस पर भी हम लोग को मतलब नजर डालनी होगी कि सिर्फ हम पुलिस को दोष नहीं दे सकते, उनकी समस्याओं को उठाना, उनकी समस्याओं को देखना बड़ी बात, देना बिल्कुल भी नहीं बनता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने कार्य को कर रहे हैं और कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिसिया विभाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बदनामी की वजह से। लेकिन सूर्य कुमार जी, ये भी जरूरी है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कब तक हम अपनी पुरानी जो चली आ रही है पुलिस की तमाम चीजों पर, अगर हम कह ले कि उनकी जो भी अपराध के खिलाफ धाराएं हैं वो उन्हीं पर हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे कोई नया सिस्टम नहीं लागू करेंगे। अब वो जैसे जैसे मजबूरी होती है, जैसे अब देखिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम कितने साल बाद लागू हो पाया, आप अच्छी तरह जानते हैं, बंबई में, दिल्ली में वो आज 25-30 साल से काम कर रहा था, लेकिन यूपी में अब लागू हो पाया। अभी भी एक कदम आगे तो एक कदम पीछे, ये अधिकार न दिया जाए, ये अधिकार हर वो वर्ग बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं, उस ग्रुप का अधिकार है, वो अपना जोर लगाता है। तो इस प्रकार की जब सामाजिक हित किस में है उस बात को लक्ष्य करके सारी व्यवस्था बनाई जाएगी, तब व्यवस्था बेहतर चलेगी। अब अभी जितनी दिक्कतें आपने बताई, तो हर एक पर जब समाधान का सिस्टम बनाया जाएगा कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी को दिक्कत है तो उसके हल करने का क्या सिस्टम होगा। अभी तो अंग्रेजों के समय की व्यवस्था बहुत कुछ वही चल रही है जी। बताया मैंने 1861 का हमारा पुलिस एक्ट है और जो अपराधियों को दंड देने का कानून है वो भी वही है कि जो इंडियन पेनल कोड वो भी 1861-1860 का चल रहा है। 1860 के पुलिस एक्ट से वो क्रिमिनल इंडियन पेनल कोड से हम लोग अपराधियों को दंड दिला रहे हैं न्यायालय में। तो अब तमाम ऐसी विसंगतियां पैदा हो गई हैं कि आर्थिक अपराध इतना बड़े बड़े होने लगे कि तमाम मुलजिम अपनी जेल हो आते हैं, जमानत करा लेते हैं और लाखों करोड़ों रुपया मार जाते हैं।
और में भी चेंजेस की जरूरत है, और चेंजेस की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बात और मैं करना चाहूंगी, जो संगठित अपराध की बात करते हैं, संगठित अपराध काफी ज्यादा हमने सुना है और इसको लेकर कई कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अब जो अपराध की बात हम कर रहे हैं कि एक एक अपराधी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो उसको लेकर भी अपराध की जो स्थिति है वो भी अलग तरीके से सामने आ रही है। जो स्ट्रीट क्राइम हम लोग बोल रहे हैं जिसको लेकर कि चोरी हो जाती है, डकैती हो गई, लूट की घटनाएं, ये सब जो तमाम घटनाएं छोटी छोटी, ये कई ज्यादा उजागर हो रही है और ये ज्यादा सरदर्द बन रही है पुलिस के लिए। बिल्कुल सही है ये, और उसका जैसे बात हुई कि कोरोना के पश्चात अनलॉक होने पर बहुत सा क्राइम भी अनलॉक हुआ है, क्रिमिनल भी अनलॉक हुए हैं, तो पुलिस को अब और ज्यादा उस तरफ कंट्रोल करना होगा और न्यायपालिका को, न्यायिक व्यवस्था को जल्दी उनको दंडित करना होगा। राजीव जी, आपको क्या लगता है संगठित अपराधी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉकडाउन था और जैसे ही अनलॉक हुआ सड़कों पर भीड़ आपको नजर आई होगी, वैसे ही क्राइम है। जब लॉकडाउन था तो क्राइम नहीं था, और जैसे ही अनलॉक हुआ क्राइम केसेस बढ़े। आप चेन स्नैचिंग की घटनाएं देख लें, आप गोलीबारी घटनाएं देख लें, तो कहीं ना कहीं देखिए बेरोजगारी तो बढ़ी है और कहीं ना कहीं युवाओं की सोच पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है, चाहे सोशल मीडिया का हो चाहे किसी भी चीज का हो। दूसरी चीज कि जो पुलिस विभाग है उसको और स्मार्टली काम करने की जरूरत है, और शिवा ने बहुत पहले एक बात कही थी कि जिस तरह से आधुनिक हो गई है पुलिस, आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रही है, चाहे वो सीसीटीवी हो चाहे वो सर्विलांस हो, कहीं ना कहीं उसने अपनी जमीनी जो उसकी चीजें थी उसको खो दिया है। चाहे हम मुखबिर की बात कर ले, मुखबिर तंत्र पहले पुलिस का, जब सूर्य कुमार जी सर्विस में थे तब मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत हुआ करता था। आपको बता दें कि किसी भी इलाके में छोटी सी भी घटना होती थी चौकी इंचार्ज को तुरंत पता चल जाता था, लेकिन आज नहीं है। आज पुलिस कहीं ना कहीं डिपेंड हो गई है, निर्भर हो गई है कि सीसीटीवी से जब तक हमको चीजें नहीं पता चलेंगी तब तक हम कैसे इस केस का खुलासा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो उसके जमीनी, उसका जो सर्विलांस था, जो जमीनी जो है उसके तालुकात थे, चाहे मुखबिर हो, देखिए मुखबिर बहुत बड़ी कड़ी था, वो कहीं ना कहीं खो गया है। सर्विलांस को लेकर कमी आई है। शिवा, मैं लास्ट आपसे जानना चाहूंगी कि आप ग्राउंड लेवल पर लगातार क्राइम की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, चीजों को आपने ग्राउंड लेवल पे समझा है, आपको क्या लगता है नई रणनीति किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से बदलाव करना चाहिए जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर अंकुश लग सके? महत्वपूर्ण है पुलिस की मॉनिटरिंग ग्राउंड जीरो पर, ताकि हर किसी व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। दूसरा है पुलिस फॉर्मेशन, ताकि समय समय पर जो क्राइम का ग्राफ बदलता है या एटमॉस्फेयर बदलता है उसके हिसाब से पुलिस की सोच और समझ भी बदलनी चाहिए। तीसरा है एरिया में बढ़ोतरी पुलिस कर्मियों की, यानी कि जो पुलिस संख्या बल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर कई जगहों पर हम देखते हैं कि जो चौकी इंचार्ज है या जो इंस्पेक्टर है, थाना प्रभारी है, वो इस बात को लेकर के उनकी पीड़ा हमेशा रहती है कि उनके थाने में जो फोर्स है वो निर्धारित तौर पर पूरी तरीके से आधी है। उन चीजों को अगर पूरा कर देंगे तो शायद जवाबदेही उनकी ज्यादा होगी कि आखिरकार आपको फोर्स भी मिल गई है, आपको अत्याधुनिक सारी चीजें भी मिल गई है, अब क्राइम ग्राफ आपके इलाके में क्यों नहीं हट रहा है। तमाम ऐसे 4 से 5 पैरामीटर है जिनको अगर आप संभाल लें, शायद पुलिस के अफसर अगर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो चीजें कुछ सुधर सकती है। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, सूर्य कुमार शुक्ला जी ने कहा है कि पुलिस कर्मी अपने ही बड़े अफसरों को खुश करने में सिर्फ लगे रहते हैं, उनको जनता से संवाद या जनता से किसी भी समाधान की उनको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती है। ये सारी चीजें हैं, अगर इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया या उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसर अगर काम कर लेंगे तो शायद चीजों में सुधार हो सकता है और पुलिस के जो नए डेवलपमेंट की जो तस्वीर है वो आने वाले समय में देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से शिवम ने कहा कि शिवा लगातार कह रहे थे कि पुलिसिया पैरामीटर सेट करने की जरूरत है, साथ ही साथ जमीनी स्तर पर जवाबदेही जो बनती है वो अधिकारियों के प्रति बनती है, तो उसको भी सुनिश्चित करने की जरूरत है, और इसी की तरह ग्राफ को कम किया जा सकता है, साथ ही साथ युवाओं में बढ़ती अपराध की मानसिकता को लेकर भी काउंसलिंग करने की भी जरूरत बन जाती है। सोशल मीडिया को अगर हम सिर्फ अगर इसका एकमात्र हम मानेंगे गुनहगार तो ये भी नहीं सही होगा, तो इसलिए काउंसलिंग जरूरी है और घर परिवार के जरिए भी अच्छी काउंसलिंग की जा सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।